नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बार एसोसिएशन में पहुंचे हैं सभी वकील और देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा और साथ में आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह विधानसभा प्रत्याशी जो हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो वकील हैं वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है जिसमें कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट जो है बार एसोसिएशन की तरफ से जो है दिव्यांशु बुद्धि राजा और साथ ही साथ जो सरदार त्रिलोचन सिंह हैं उनको यहाँ पर ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा मौके पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जैसा कि लोकसभा के चुनाव जो है वो नज़दीक है, विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर जो लॉयर्स हैं वो अपना यहाँ पर फूल देकर उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल बार एसोसिएशन देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल जो है उन्हीं के ही हॉल में जो है फ़िलहाल यहाँ पर ये देख सकते हैं उन्हें स्वागत करते हुए यहाँ पर सभी जो लॉयर्स हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा भी जो है अभी कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और लोग लगातार जो है यहाँ पर उनको बता दें तो कार्यक्रम रखने के बाद जो है उन्हें अपना यहाँ पर सपोर्ट देते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पीछे लॉयर्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर ये देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर आए हुए हैं। हम बातचीत उनसे भी ज़रूर करेंगे, कुछ लॉयर्स हैं उनसे भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले फ़िलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर बार एसोसिएशन के अंदर ये देख सकते हैं आप। बता दूं तो पिछले अभी सुबह भी जो है कार्यक्रम इनका था जिसमें एक रोड शो था जिसमें सभी डोर टू डोर जो है जाकर कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने लोगों से वोट्स मांगने की जो है यहां पर लोगों से वोट की अपील भी करी। और अभी फिलहाल यहां पर देख सकते हैं जो लॉयर्स का जो कार्यक्रम है उनका मैं करनाल बार में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे प्रधान भाई संदीप स्वामी जी से ओबीसी यहां पे स्वागत करें वेलकम। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिव्यांशु बुद्धि राजा और जो सरदार त्रिलोचन सिंह हैं लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशी उन दोनों को यहाँ पर स्वागत के लिए देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में है। पहले जो दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं उनका यहाँ पर स्वागत जो है करते हुए ये देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में। और जो सरदार त्रिलोचन सिंह हैं उनको भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, उनका भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम करते हुए तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं सभी के सभी जितने भी लॉयर्स हैं यहाँ पर और बार एसोसिएशन के सभी लॉयर्स हैं यहाँ पर स्वागत जो है वो यहाँ पर करते तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर। अभी तस्वीरें जो है फिलहाल आप देख सकते हैं बार एसोसिएशन करनाल से और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना एक सपोर्ट जो है आज यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। संदीप सोनी जी को दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का हमारे करनाल विधानसभा से MLA के दावेदार सरदार त्रिलोचन सिंह जी का और सभी रिस्पेक्टेड कांग्रेस पार्टी के नेता व वर्कर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर मेंबर्स ऑफ अवर बार, रिस्पेक्टेड लेडीज मेंबर्स ऑफ अवर बार एंड माय डियर कुलीग एंड ब्रदर्स, आज मैं अपनी बार में दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का और सरदार त्रिलोचन जी का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रजातंत्र में चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार होता है और हर 5 साल के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। आज हमारे बीच में दिव्यांशु बुद्धि राजा जी एक युवा, एक नया चेहरा हमारे बीच में आए हैं। हालांकि नया तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पिछले लगभग एक साल से तो मैं भी भाई साहब से कई बार मुलाकात मेरी हुई है। सरदार त्रिलोचन जी हमारे पिताजी के दोस्त हैं, मैं तो उनको अंकल ही कहूँगा, चाचा जी कहूँगा। ये भी हमारे करनाल से बहुत ही पुराने चेहरे कांग्रेस के जो हमेशा से करनाल शहर की आवाज़ उठाते रहे हैं उनमें से रहे हैं। मैं आज अपनी करनाल वार में आप दोनों का पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष करता हूं कि 4 जून को जो नतीजे आए आपके फेवर में आए।
दिवांशु बुद्धि राजा जी से तो मेरी और सरदार त्रिलोचन जी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बुद्धि राजा जी के नाम के पीछे ही राजा है कि 4 जून को जब वो करनाल के मेंबर पार्लियामेंट बन जाए तो राजा की तरह ही हमारी कोर्ट का भी ख्याल रखें और हमारी कोर्ट में आने 4 जून की तारीख आज ही घोषित करके जाएं कि भी मैं ये इस तारीख को दोबारा कोर्ट में आऊँगा और फिर उस दिन हम आप लोगों से दिल खोल के डिमांड रखेंगे और दिल खोल के ही आप लोगों ने हमें देना है। आज तो आप रिक्वेस्ट करने आए हैं कोर्ट के लिए, हम सभी वकील साथी आप की रिक्वेस्ट सुनेंगे और आप लोगों का को इस चीज़ की भी गारंटी देंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले। आप लोगों को यहाँ पहुँचने में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी आपके बीच में आए और मैं स्पेशल उनके बारे में कुछ बताने के लिए आपके पास आया हूँ। ये अलग बात है कि करनाल के अंदर लोकसभा के साथ साथ असेंबली का इलेक्शन भी है, सरदार त्रिलोचन सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मेरे से ज़्यादा आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं। प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आने वाले समय में जो वकील साथियों की डिमांड को उठा सकते हैं। खट्टर साहब ने 9.5 साल के राज में एक बार भी ऐसा प्रयास नहीं किया जो आने वाले समय में वो कर सकते हैं। बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में खट्टर साहब को 3 बार हमने बुलाया, बड़े बड़े फंक्शन किए, 3 बार 25-25 लाख की घोषणा की, 1 बार का पैसा हमारे पास नहीं पहुँचा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बार कौंसिल के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री जब भी आया 1 करोड़ से कम कभी भी रुपया बार कौंसिल के अंदर है वेलफेयर फंड के अंदर कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये थे हमारे 9.5 साल के मुख्यमंत्री का कार्यकाल का लेखा जोखा जिन्होंने वकीलों के लिए कुछ नहीं किया। और उससे पहले कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री बने, खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे वकीलों के लिए, मैं बुद्धि राजा जी आपको बता देना चाहता हूँ, उस समय आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 5 से लेकर 10% हर शहर के अंदर वकीलों को कोटा दिया और उसका लाभ मुझे ऐसा लगता है कि करनाल कोर्ट के वकीलों ने भी अच्छी तरह से लिया। जींद के अंदर 10% कोटा था क्योंकि वो डेंसिटी की वाइज था, गुड़गावा के अंदर 5% कोटा था, हिसार के अंदर 10% कोटा था, कैथल के अंदर 10% कोटा था, कैथल के अंदर 250 से ज़्यादा वकीलों की कोठियाँ बनी। और मैं समझता हूँ जब मेंबर पार्लियामेंट दिव्यांशु बुद्धि राजा बने, ऐसी डिमांड को सरकार के सामने रखना, वैसे तो आप रखोगे बट हम इस मंच के माध्यम से आपको याद दिलाते हैं, ऐसी डिमांड को आपने रखना है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी वकील के पास ना चैम्बर की कमी रहे और ना रहने के लिए मकान की कमी रहे। और क्योंकि आजकल हुड्डा के प्लॉट्स की रिजर्वेशन की बात तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दूंगा, भाई ने पहले ही बता दिया समय बहुत कम है और आपके पास 2 कैंडिडेट हैं। मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा मजबूत कैंडिडेट मिला है, उसने छात्र राजनीति से लेके अब तक हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ को उठाया है, आज भी उठाते रहेंगे। और समय के अभाव के कारण से मैं बातें बहुत ज़्यादा करना चाहता था, मैं ये कहूँगा उसका तय दिल से आप आपके मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट को जिताइए, उसके साथ साथ असेंबली के कैंडिडेट को जिताइए। हरियाणा के 11 उम्मीदवार, 10 पार्लियामेंट और 1 असेंबली कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और मैं आपको ज्यादा ना कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सरदार अजीत सिंह गिरती से, प्लीज आए और अपने विचार दें। सर रिक्वेस्ट है, प्लीज, समय का भाव है। आवर प्रेसिडेंट संदीप चौधरी जी एंड हिज टीम, आई एम रियली ग्रेटफुल। संदीप, यू हैड डन ए ग्रेट जॉब, आपने हमारे एक दोनों कैंडिडेट जो कि दोनों एक कार्य शैली वाले और अच्छे काम करने वाले कैंडिडेट्स को आपने आज इनवाइट किया या वो हमारी बार में आए। त्रिलोचन जी बुद्धि राजा जी, शायद मैं आपको पहले नहीं जानता बुद्धि राजा जी, क्योंकि आपका नाम सुना है अखबारों में, बड़े जुझारू हैं। त्रिलोचन जी तो पिछले 40 साल से हमारे शहर की सेवा कर रहे हैं और कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं और मंच पर बैठे सारे सम्मानित कांग्रेस नेतागण और मेरे साथियों,
मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जहां तक बात है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो ये कह रहे थे दोनों डम्बी कैंडिडेट है, पर आज की डेट में ये डम्मी कैंडिडेट नहीं है, ये फिजिबल कैंडिडेट है एंड दे आर चेजिंग देम। जहां तक बात है खट्टर साहब की, खट्टर साहब का 9 साल का राज रहा यहां पे, 9 साल के अगर राज के अंदर उन्होंने कुछ किया होता तो ये इलेक्शन खट्टर साहब के लीडरशिप में लड़ी जाती। खट्टर साहब को उनकी पार्टी ने हटा के दूसरा सीएम दिया, और दूसरा सीएम इसलिए दिया कि खट्टर साहब को कोई लाइक नहीं करता। खट्टर साहब ने 13 महीने किसानों को बिठा के रखा। मेरा जुजारू नेता यहाँ बैठा है, मेरा वकील भाई, जिसने अपनी पीठ पे लाठियां खाई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जो कि गलत पॉलिसीज की वजह से। दिवांशु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे वकील नहीं है, ये गांव से बिलोंग करते हैं, ये किसान भी हैं, और आपने पार्लियामेंट में जाके हमारे करनाल की आवाज बुलंद करनी है, जिससे कि हमारे को जो पीछे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस आए हैं पर आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह और साथ में दिव्यांशु बुद्धि राजा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय बार एसोसिएशन के हॉल में मौजूद हैं। और अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सभी वकील हैं उन्होंने अपना काफ़ी सपोर्ट यहां पर ज़रूर देते हुए यहां पर सबने अपनी अपनी बात रखी है, और अभी यहां पर जो दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं वो भी अपनी अपील जो है सभी जो वकील हैं उनसे ज़रूर यहां पर करेंगे वोट को लेकर। तो आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जो हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में वोट्स की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोरोना काल के दौरान जब सारे करनाल के अंदर पढ़ाई पढ़ाई मची हुई थी, एक विधायक का मुख्यमंत्री का था कि हमारे बीच में आते हमारे सुख और दुख में शामिल होते, तो 3 महीने तक लगातार करनाल नहीं आए। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी आई तो रात लोग एक दूसरे को मिलकर जब सोते थे, डरते और सोते थे सुबह हमारी चले आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लगातार हमारा मार थी। उस समय भी हमारे बीच में हमारे विधायक हमारे मंत्री नजर नहीं आए, करनाल सीएम सिटी नहीं बना, लेकिन किरण सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी नहीं बना, भ्रष्टाचार का हक बन गया, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डी जी पी हो, चाहे एस सी हो, चाहे सी एफ सी जिले हो, जो करनाल में नाम उठा गया, भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला करनाल में रहा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि 9.5 साल में हमने 2 बार उनको मौका दिया, पर वो बिना जवाब दिए, बिना हमारे सवालों के जवाब सुने और छोड़ के मेंबर पार्लियामेंट में चले गए लड़ने के लिए, और नैन सिंह सैनी जी को हमारे ऊपर थोप गए। ये कोई मर्सिडीज नहीं थी, ये कोई नगर निगम की दुकान नहीं थी, इसको सब कर दिया। अगर 9.5 लाख जी ने किसी और को मुख्यमंत्री बनाना था तो कनार के लोगों से पूछते क्या आपका नैन सिंह सैनी पसंद है या नहीं है। हमारा कल्चर नहीं मिलता, हमारी भाषा नहीं मिलती, हमारे सामाजिक तनाव बना नहीं मिलता, हमारा करनाल के लोग अमन पसंद लोग हैं, उस पर जाके नैन सिंह सैनी को हमारे में थोप दिया। वो करनाल के लोग कभी पसंद नहीं करते थोपे हुए, तो करनाल के लोग अपने जो हुआ न्याय का बदला लेना जानते हैं। इसलिए में आप देख सकते हैं सभी वकील जो हैं बार एसोसिएशन के वो यहाँ पर तस्वीरों में बैठे हैं और अपना सपोर्ट यहाँ पर जरूर देते नजर आ रहे हैं। जेपी शेखपुरा भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शेखपुरा जी, क्या कुछ कहोगे आज यहाँ पर बार एसोसिएशन में सभी ने यहाँ पर अपना सपोर्ट देते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं मांग पत्र भी रखा है पहले से, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, मैं बता रहा हूँ, हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ हमारे चाचा खट्टर मुख्यमंत्री का हलका है, हल्का है पर वो हल्का आदमी है। वो हल्का आदमी क्यों है? घमंड और अहंकार उनको ले डूबा है। अभी 25 लाख रुपए आज तक नहीं मिले जो डीसी ऑफिस में एसडीएम ऑफिस में गए थे। चाचा खट्टर एक महिला को चंद्रयान पर भेज रहे थे,
चाचा खट्टर एक सरपंचनी ने जो दुपट्टा डाला था तो उसके को अपमानित किया था। चाचा खट्टर की जो आदतें रही है, धमकाया है या कुछ भी हो, ये प्रजा का और बुद्धि राजा का इलेक्शन है। ये नेताओं को नहीं देख रही, ये करनाल की जनता, हिंदुस्तान आज करनाल लोकसभा को देख रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री और मतलब पुराने मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की नज़र से देख रहे हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गली धमाका उठेगा, पटाखा उठेगा और हिंदुस्तान में पहली बार करनाल में बाहर का कैंडिडेट आकर के आप देख सकते हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो हैं वो यहाँ पर सभी जो अपील है उनसे वोट्स की अपील यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चटोंडी जी का कि आपने यहाँ हमें बुलाकर जो मान सम्मान दिया, जो आपने हमारा यहाँ बुलाकर जो सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स के बीच में हमारा जो स्वागत किया, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते आपका और प्रत्येक बार के सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी विकास संधु जी प्रत्याशी, हमारे विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, ये किसी का नाम रह गया हो तो गलती की है, इन्होंने लिस्ट तैयार करके दी है, मेरी गलती नहीं है। अगर उलाना हो तो बाहर के सदस्यों ने उलाना रखना जी, मेरे से उलाना मत रखना, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ और हमारे कई तो सीनियर मेंबर्स बैठे हैं तो आपके बेटे की तरह हूँ, तो जो भी गुस्ताखी है वो इन्होंने करी है, मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी नहीं की गई। सबका बहुत बहुत पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रधान जी ये बात कह रहे थे कि 4 तारीख को विजयी हो गए, आप तारीख बता के जाएंगे कब आप आएंगे, और पिछला जो आपका पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो कुछ ठीक नहीं रहा। दो दो बार के जो सांसद बने हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावना जो है और वो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा तो मैं बताना चाहूंगा कि जो वकील साथी हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं आज कांग्रेस का प्रत्याशी बना हूं, मैं आज आपके बीच में यहां खड़ा हूं, मैं वोट की अपील कर रहा हूं, तो ये आप वकील साथियों की बदौलत है, क्योंकि सरकार ने तो धक्काशाही करके मेरा नामांकन भी कैंसल कराने की जो है रद्द कराने की पूरी कोशिशें की है, तो मैं सबसे पहले वकील साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपकी बदौलत आज मेरा नामांकन जो है स्वीकार हुआ है, क्योंकि सरकार ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, यह सारी टीम बैठी है। लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है, मेरे अकेले के बस की बात नहीं, मेरे घर में तो आज तक किसी ने पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा, मेरे घर में तो आज तक किसी ने सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो एक रिटायर्ड क्लर्क का लड़का हूं और मेरे घर में जमींदारा भी कोई बहुत बड़ा नहीं, 3 किले के जमींदार है, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अच्छी नीयत के साथ ईमानदारी के साथ काम किया है। 3-4 दिन पहले एक बुजुर्ग माता मेरी वही मिली, क्योंकि पिछले 2 सांसद जो रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा, बातें तो चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी कहकर चले जाते हैं लेकिन जब जीत जाते हैं तो उनका रवैया बदल जाता है। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कहा मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे सद्बुद्धि दे, और मैंने 3 बार चुनाव लड़े और 3 बार ईश्वर ने हाथ पकड़ के बेड़ा पार किया है, 3 बार चुनाव लड़े हैं, 3 बार ईश्वर ने हाथ पकड़ के बेड़ा पार किया है। माता जी कहने लगी कि बेटा अगर 3 बार चुनाव लड़के 3 बार जीता है तो ये तेरी अच्छी नीयत और ईमानदारी है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो लोग अच्छी नीयत और ईमानदारी से काम करते हैं। मैं तो आपके बीच में आज आया हूं, आपके बीच में कुछ इश्यूज भी हैं जो लगातार बार की तरफ से एक डिमांड आती रही कि वो HSVP के पास जगह है, अगर वो हमारे इसमें आ जाए कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो कहीं ना कहीं क्योंकि चैम्बर्स बढ़ सकते हैं, और मैं अभी प्रधान जी से पूछ रहा था स्ट्रेंथ जो यहाँ पे एनरोलमेंट है 3900 की है, ये हॉल भी मुझे लगता है कि 3900 के हिसाब से बहुत छोटा है, अगर जगह वहां आ जाए तो मुझे लगता है कि वहां पर भी एक बड़ा कम्युनिटी हॉल जो है वो उपलब्ध कराया जा सकता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये जो डिमांड है आपकी चैम्बर के पीछे वाली जगह और एक बड़े कम्युनिटी हॉल की ये कॉन्फ्रेंस हॉल की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो डिस्पेंसरी की डिमांड है
मुझे लगता है कि सीएम सिटी के अंदर वकीलों को अगर डिस्पेंसरी के लिए 9.5 साल इंतजार करना पड़े तो इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। सीएम सिटी के अंदर तो मुंह से बात निकालो और पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब व्यक्ति के हाथ में ताकत आती है तो सबसे पहले अपने घर का काम पहले करवाता है। तो यहां से रहे, लेकिन मुझे तो बड़ा हैरानी हुई कि यहाँ पर डिस्पेंसरी की भी जो है डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये दो डिमांड और जो यंग लीडर्स यंग हमारे एडवोकेट्स हैं, एक स्टाइफंड की बात आई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि ये तो ओवरऑल जो है क्योंकि ये सिर्फ करनाल का नहीं पूरे देश का मुद्दा, पूरे स्टेट का मुद्दा है। तो मुझे ये भगोड़ा करार दे रहे थे, उस मुकदमे में मैं कोर्ट में गया और 2 मिनट के अंदर जज साहब ने मुझे जमानत देके बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया। मैं बाहर आया, मैंने मीडिया के माध्यम से मनोहर लाल जी तक संदेश पहुंचाया कि मनोहर लाल जी मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, एक बार आप जनता की अदालत में आओ, जनता आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। जमानत शेड्यूल में से निकाल के दिया, लेकिन एक अंतिम बात जरूर है, तुझे सर फिरे तूफान, ये मनोहर लाल जी के लिए बहुत गरूर है, तुझे सर फिरे तूफान, तो मुझको भी जिद है कि दरिया के पार जाना है, दरिया के पार जाना है। आपकी जो जो मांगे रहेगी अपने इस भाई के प्रति, अपने इस बेटे के प्रति, चुनाव का नतीजा 4 को आएगा, लेकिन आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आपके बीच में आपके भाई की तरह और आपके बेटे की तरह आया हो और ईश्वर सद्बुद्धि दे कि चुनाव के नतीजे के बाद अगर आपका आशीर्वाद रहा तो भी इसी तरीके से आपके बीच में रहूंगा और आपकी एक एक मांग को पूरी उठाने। जो हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है वो वकील है। आज 12 सेशन में इन्होंने हमारा स्वागत भी किया और विश्वास दिलाया कि मौजूदा जो सरकार है 9.5 साल की वो इन्होंने अच्छी तरह देखभाल ली। मैंने 2019 में वादा किया था विधायक बनो ना बनो आपकी आवाज बनकर रहूंगा और मैं 4.5 साल आप मुद्दा जी आप गवाह हैं और सारे गवाह हैं, मैं आवाज बनकर रहा हर समय में, जो भी करार की जनता की बात थी मैं रक्षा रहा, चाहे वो धरने के माध्यम से प्रदर्शन के माध्यम से चाहे अरेस्ट हुआ रखता रहा। आज इन्होंने स्वागत किया और विश्वास दिलाया कि आगे जो है कांग्रेस को मदद करेंगे, कांग्रेस ही सपोर्ट करेंगे और इनका विश्वास है हमारे को पूरा हो गया कि आने वाली दोनों सीटें हम जीतेंगे। दिव्यांशु है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। न्याय की लड़ाई में न्याय योद्धाओं के बीच में आए हैं और न्याय योद्धाओं ने समर्थन का ऐलान किया है। अब रण के अंदर न्याय योद्धा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो इस रण में जीत अवश्य होगी और मैं सम्मानित पूरी बार का बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित जो हमारे पदाधिकारी हैं और एक एक रिस्पेक्टेड मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले से सब मांग पत्र भी रखा गया आपके आगे? जी बिल्कुल, कुछ लोकल डिमांड्स हैं बार की और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि सीएम सिटी में होने के बावजूद बड़ी बेसिक नीड्स जो हैं वो बार की पूरी नहीं हो पाई। तो मैंने विश्वास दिलाया है कि अगर हमारे न्याय योद्धाओं का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो जरूर बार की जो डिमांड्स है उनको पूरी करेंगे। व्यापारियों के बीच में आ रहे हैं, क्या कुछ कहा व्यापारियों ने? क्या बेटा साहब, व्यापारी एक बात कह रहे हैं, काटना मत चलाना जरूर, एक परसेप्शन क्रिएट करी जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का विरोध जितना ग्रामीण अंचल में है उतना ही गुस्सा शहरी जो लोग हैं उनके दिलों में ज्वालामुखी की तरह बना हुआ है, गले लग रहे हैं और गलों में गले लगते हुए कान में कह रहे हैं टेंशन मत लो, इस बार बीजेपी को यहाँ से खदेड़ेंगे और कांग्रेस को यहाँ पे स्थापित करेंगे। बिल्कुल, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा जो है उन्होंने बातचीत के दौरान ये जरूर कहा है कि जो सभी लॉयर्स हैं उन्होंने अपनी मांगे भी जरूर यहाँ पर रखी हैं और उनको भी पूरा करने का काम वो जरूर करेंगे, लेकिन लॉयर्स ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर जरूर दिखाया है। और बारिश जो हॉल है फिलहाल वहीं से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे 24 के ऊपर, तब तक के लिए।